हैदराबाद से हैं और काफ़ी एक्टिव है ब्लॉक में, हमेशा आना जाना इनका रहता था, हर दो दिन में हमसे बात भी करते थे, काफ़ी सारा समस्या सॉल्व करवाते थे ब्लॉक लेवल पे। कभी ये कल्पना नहीं किए थे कि इनको इस तरह का ओल्ड आदमी और इस तरह का घटना फेस करना पड़ेगा। और जो भी मारा है बहुत बेरहमी से मारा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लगने, मतलब हम तो प्रशासन को बोले हैं 24 घंटे के अंदर जो अपराधी है उसको पकड़ के लाने के लिए, क्योंकि तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इतना बेरहमी से कौन मारा है और आसपास के ही लोग मारे हैं, क्योंकि तो बॉडी को यहीं पर ला के रखा गया है और कल शाम से बॉडी नहीं मिल रहा था। दिन भर लोग इनके वास्तुस्थिति को लेकर अवगत थे, कहाँ हैं। शाम से इनका गायब होने का सूचना मिला सबको। सबसे पहले तो अपराधी का पता होना ज़रूरी है ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि अपराधी कौन है, कोई संगठित अपराधी है या फिर कोई आम आदमी है या फिर कोई गांव का आदमी है, कोई बाहर का आदमी है, तब हम इस पर कुछ टिका टिप्पणी कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही शैतान से भी बड़ा शैतान है जो इतना बेरहमी से किसी को, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई इस तरह से भी किसी का मर्डर कर सकता है।